ओ आर्नोल्ड, इसे मशीन को तोड़ा गा के। अरे यार, मशीन भी टूटक रह गई। इतना वजन तो लगा ले, वजन तो इसमें है ही ना। कर के रहा तू, जिम आएक रहा है, झूला झूला ना एक रहा है। अरे भाई, मैं यहाँ मशीन तोड़ने या जिम करने थोड़ी आऊँ। अरे मैं तो तेरी सह टाइम पास करना हूँ, नहीं तो मुझे वहाँ पूरा दिन हो जा। कभी भैंसों का दूध काढ़ना, कभी पुचाना, कभी लाना, कभी गुब्बा उठाना, कभी सन्नी करनी, पूरा दिन बिरान रहो। बहुत जी मोहली, अब घर उछल, आज तो बैठी भतेरे लेट हो दिए। घर की माई को बोले आ जल्दी, बस बहुत होली बन गया तू आर्नोल्ड। हाँ यार, क्या तो सही रहा, तो लेट बहुत हो गई। अच्छा एक काम कर, तू घर पहुँच, ठीक है? ठीक है, फिर मिलते हैं। दूध कटवाना जाके। हाँ ठीक है भाई, कोच। आ गया तू? हाँ मैं आ गया। और थोड़ी सी देर करके आता? अरे माँ, तुझे पता है जिम में जाने के बाद पता नहीं लगता कितना टाइम लग गया। तेरा बापू पसर से खेत में जा रहा, भूखा परेशान हो रहा होगा, अभी तक रोटी भी ना गई। क्यों, आज तू क्यों ना गई रोटी लेके? घर में इतना सारा काम है, त्योहार सर पे है, बतेरा काम है मेरी जान को। माँ तुझे पता मैं जिम से थका आ रहा हूँ, मेरी हिम्मत नहीं पड़ती। बस मेरी हिम्मत ना पड़ती तो एक काम कर, घर का काम कर तू और मैं जाऊँ रोटी लेके। अरे माँ तुझे बुरा मानगी, ला मैं ले जाऊँ। चल काम तू कर ले, ठीक है? ले तू इसे ले, चल और मैं पिताजी को रोटी लेकर आया। आजकल के बच्चों को ना जाने क्या हो गया है, आराम से तो मानते ही ना। वो कह रहा है ना कि सीधी उंगली से घी ना निकलता, टेढ़ी करनी पड़े। दिखाई नहीं दे रहा तुझे? नहीं दिखाई दे रहा? अंधी हो रही, बड़ा आदमी दिखाई नहीं दिया तुझे? इतनी बड़ी स्कूटी दिखाई नहीं दे रही? अच्छा, मतलब तू मेरी गलती बता रही है? कहाँ लगी चोट, दिखा दो सही जरा। अरे मेरे तो दिल पे लगी चोट। दिल टूटा ना है, जा चला जा यहाँ से। अरे दिल तोड़े से तुझे क्या मिल जाएगा बैरन? तेरी दिल लगी मेरे पे ना चलने की है, चल हटा के से मुंडी सकल का। दिल लगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई। तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। अगर वह प्रकाशे की भैंस ना कूदती तो मैं लेट ना होता, वहां दूध वाले बाट देख रहे होंगे मेरी। अरे इसका क्यों हो गया, यू क्यों लंगड़ाता हो यावे? अरे तेरा क्यों हो गया भाई? अरे भाई एक छोरी टक्कर मारगी। हैं, छोरी टक्कर मारगी? अरे अनु बता कौन छोरी टक्कर मारगी? अरे वो है ना शाम सिंह की गीता। अरे उसने टक्कर मार दी यार। अच्छा तो तू भी चोट पे चोट मारता? अरे चोट पे चोट के मारता यार, वो दिल पे चोट मारगी। अरे तेरे यार ने सारे काम करके छोड़ दिए, मारे तो पूछ लोंडिया कैसे पटाई जा। वाह भाई, तू मेरा यो काम करवा दे, तेरी दावत पक्की। अच्छा हाँ, तो मिला हाथ ले। मैं एक बार यू दूध डेयरी पे गिरी हूँ और फिर मैं तुझे आके ऐसा गुरु मंत्र दूंगा
तू याद रखेगा। भाई तू तो दूध गिरने जा रहा है डेयरी पे, हमारी जान को तो साक्का हो गया, हमारे तो आज घर उजाते के साथ ही राड हो। ऐसा क्यों हो गया भाई? अरे यार बापू की रोटी लेकर जा रहा है खेत में, उसने टक्कर मार दी सारी रोटी खिंड गई, और बापू वहाँ भूखा खेत में जो है पेट पीट रहा होगा, अब आज तो फजीते ही हो गया जान को। तन्ने तो अपने आप जान जाए बतम डाल ली भाई। हाँ भाई बात के बताऊँ, अब तू दूध गेर का और फिर मैं तेरे सांझ को मिलता हूँ। ठीक है भाई, आज मैं तुझे ऐसा गुरु मंत्र दे दूंगा तू बिल्कुल मार नहीं खाने का। ठीक है भाई, ठीक है तो पहुँच तू भी और आराम है अभी दूध गेर के। शांति, ओ शांति, मुझे लगे ये थमे नहीं, जो कहीं पीठ लगती हो ना तो तुझे आज ही बदल दूं। क्या हो गया? खेत में से आज तो डंडा खा लिया तुमने। अरे भूख के मारे पेट टूटता जा रहा, तू रोटी लेके नहीं आई। रोटी लेके ना आई? अरे भेजा तो था तेरा लाडला। माना गया कोई प्रांत चले गए। शांति रख शांति, अभी लाई रोटी घाल के खूब खा लिए। अरे 20 साल तक शांति के धोरे ही तो बैठा मैं, नाम तो तेरा शांति और घर में करे तू क्रांति, और कच्ची पक्की रोटी पोवे मेरा कया भी नहीं मानती। अभी मान तो रही हूँ, तुम जरा हाथ पैर धो के तो आओ, अभी लाई मैं रोटी। ले खा ली हमने तो घेसड़े, युवा लिए हाथ पात उड़वा के तेरा लाड। रोहित, रोहित के क्या हो गया? भाई रोहित का दिल टूट गया। क्या कह रहा? इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। ये क्या बकवास कर रहा तू? इसका तो दिल टूट गया और वहाँ खेत में भुक्के का मेरा पेट टूट गया, इसका दिल तो सी जाएगा मेरा कौन सी बगा। चलो तो दर्जी के सिलवा देंगे। क्या उल्टी सीधी बात करने लग रहे, मारी तो समझ में कुछ ना आ रहा। अरे ताई तेरी समझ में आने का भी ना, यू मामला कुछ और ही है। अच्छा हाँ ठीक है, पहले से लिटा चल के चल। चलो पता नहीं कैसी मोटरसाइकिल चलावे, टूटा फूटा जा रहा है। यू लोन जब स्कूटी लेकर पता ना कहाँ चली गई, स्कूल को भी लेट हो लिए। क्यों दुखी हो रहे हो? चक्कर काट रहे तो मैं धरती गा दी। चक्कर ना काटूं, स्कूल में वाले खड़ उतार रहे होंगे, लेट हो रहा हूँ मैं। तुम्हें ना कहीं चीन के बॉर्डर पे जाना, चले जाइयो। मैं इके उनते डरू हूँ। तेरे पढ़ाई बालक ना बना डिप्टी, तू स्कूल जा या मत जा। मुझे पता है जिले में मेरा पहला नंबर है। तो मुझे पता तेरा पहला नंबर है लेकिन ना पढ़ाने में। रे के कह रही, मुझे पढ़ाने के मामले में राष्ट्रपति पुरस्कार मिलेगा। जा जा, मुझे पता तू कितना पढ़ा लिखा, मेरे पप्पा ने तुझे मास्टर बना दिया, अन्य गालों में धक्के खत्ता फिरता। लो घर तो तारे आगे तुम्हारी लाडली। ए लौंडिया कहाँ फिरिया दौड़ के तेरे स्कूटी लियो, तन्ने सारे काम में हमारी बेइज्जती करवा रखी है। मैं थारी बेइज्जती ना करा रही, मैं थारी इज्जत ही बढ़ाऊंगी। इज्जत? हाँ बढ़ा ली तन्ने इज्जत, नीचे उतर और अपना काम कर, चलने दे हमें स्कूल को। मास्टर जी नमस्ते। नमस्ते बेटा नमस्ते, बैठ जाओ। सारे बच्चे आ गए और वो सचिन और विकेश ना दिखाई दे रहे? सर जी मेरे छोटे भाई को तो बुखार हो रहा। अच्छा हाँ जी। ओहो बैठ जा, यू अच्छी कोरोना की बीमारी चली, बच्चे ही आने कम हो गए। सब काम कर लाए अपना? हाँ जी। तू इधर आ भाई। काम कर लिया? हाँ जी काम तो कर लिया, बस कॉफी कर रहेगी। कॉफी लेनी तेरे याद नहीं रही, ये बाल कटवाने तेरे याद नहीं रहे, हीरो बना फिर है सलमान खान हो रहा, तो इन बालों को कटवा दिया ना तो काट दूंगा तुझे। हाँ जी कटवा लेंगे। चल बैठ। हाँ भाई खड़े हो, क्या नाम है तेरा? तरुण। तुझे सवाल दिए थे वे कर लिए? वैसे तो होशियार है तू, खैर पढ़ने में ठीक है तू। अच्छा एक सवाल बता, मान लिया चार लड्डू हैं तेरे पास, चार लड्डू हैं और दो तेरे भाई ने खा लिए, तो क्या बच गए? एक भी ना। वो कैसे?
दो मैं एक तो खाऊंगा, मेरा भी तो जी है। अच्छा तू भी खाओगा, बैठ जा, घना होशियार हो रहा तू भी। हाँ भाई इधर आ, पढ़ना लिखना तो तेरे पास नहीं, खेल कूद में लगे रहा हर वक्त। रिश्ते तो तू कुछ खेलना ही अच्छा सीख ले, केस क्या तन्ने, कहीं ब्लॉक में तेरा नंबर आ जाएगा, हम दे देंगे। हाँ चल करके दिखा, पीछे को जा थोड़ा सा करके दिखा केस क्या तन्ने। वो तेरा भला हो, फिर क्या दिखा, अब क्या उल्टा जैसे करा था। शाबाश बैठ जा, तू तो इनाम जाओगा भी लोक में, तो है बैठ जा, नाम करेगा तुम्हारे स्कूल का, पर पढ़ने पे भी कुछ ध्यान कर ले। हेडाओ लाला, कई महीने हो गए बेटा, फीस को कही थी तुझे? अच्छा बहुत उल्टे सुधे जवाब दे रहा, अपने बापू तो कह दिए जाके मास्टर जी ने फीस मंगाई, अन्ना पढ़ ना दूंगा स्कूल में, चल बैठ। अपना होमवर्क पूरा कर लियो, ठीक है, जो काम दिया उसे करके लिया कर। ठीक है चलो लंच होगा, आप बैठो थोड़ी देर। अरे क्या हो गया माँ, तू छोमारी है? हर वक्त फोन कान के लगा रहा है। कहाँ रही, मैं तो कुछ देख ही रहा, इसमें को मैं कुछ कर थोड़ी रहा, बता। रोहित बेटा मुझे तू एक बात बता। मैं बता। घर में तो तेरे पे कुछ हिल्ला है ना, कुछ भारी काम काज ढूंढ ले। अरे माँ मैंने सोबित से बात करी ही, काम मिल लेगी, वो नुकरा कहीं ना कहीं बाहर चिपकवाई दूंगा। हाँ अब वो तो तुझे हिल्ला बताएगा, खुद तो वो लोगों का दूध धोता फिर है। अरे पिताजी थारे क्या हो गया, तुम क्यों कर रहे हो? मेरे पेट में दर्द हो रहा, दी लिकड़न को हो रहा, मेरा पेट में दर्द हो रहा, कहाँ हो रहा पेट में दर्द? जहाँ हो रहा पिताजी, यहाँ तो बाड़ा होने का दर्द देख रहे है। अरे शांति खड्डी लखावे मतलब लठ दे दे मुझे ला के, इधर सारे को सूट तू मजाक ले रहा हमारी। अरे इन्हें तो दर्द हो रहा, तुझे मजाक सूझ रही? अरे माँ तू गुस्सा ना हो, है मैं पिताजी को अभी दवाई दुआ कर लाऊं। हाँ जा जल्दी जा, और डॉक्टर से आके सोबिस से दूध ले आइए, कल जन्माष्टमी है, मुझे मामा निकालना। ठीक है माँ ठीक है, चलो चलो तुम जाओ। पहुंच गए माँ, आगे डॉक्टर की दुकान, आगे डॉक्टर की दुकान, आगे आगे आगे, चलो चलो सुबह शाम ले लेना, ठीक है चलो पिताजी आराम से, आराम से चलो, आराम से आराम से बैठ जाओ। डॉक्टर साहब देखिए उनके पेट में दर्द बता रहे, कब से हो रहा है दर्द? सवेरे तो हो रहा, वैसे तो अब ज्यादा हो गया डॉक्टर साहब। अच्छा दिखाओ, गोला सा उठे, गोला सा उठे या? हाँ एक बार दिखाओ पिताजी, थोड़ी सांस लो लंबी सी। अरे चौधरी साहब घबराने की कोई बात नहीं है, आपको थोड़ा गैस का दर्द है, मैं दवा दे देता हूँ, आज शाम तक आनी तो सुबह तक ठीक हो जाओगे, ठीक है? डॉक्टर साहब बढ़िया सी दवाई दे दिया। बिल्कुल बढ़िया दूंगा जी, एकदम बढ़िया हो जाओगे। डॉक्टर साहब ये कभी कभी जो है ना, हाँ चलते चलते ना चक्कर से भी आ गए, इनका गैस बने हैं उसकी वजह से है, कुछ और बात है? कोई बात नहीं, मैं ताकत की दवाई भी दे दूंगा, ये बिल्कुल सही रहेंगे, ठीक है? हाँ जी देख लियो, भाग दौड़ ज़्यादा कराए ना सारे दिन। हाँ हाँ कोई नहीं, ताकत की दवाई भी दे दूंगा मैं, एक ताकत की दवाई और दे दो। हाँ ये ठीक है, ये उसमें पैक कर दो। ये ले जाओ, एक अभी ले लेना जाते ही और एक शाम को ले लेना, अगर कोई दिक्कत हो ना
तो सुबह एक बार फिर दिखा देना। वैसे दिक्कत होगी नहीं, इनको गैस की प्रॉब्लम है, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, जल्दी में पैसे तो मैं लाया ना, मैं पैसे भिजवा दूंगा। अरे पैसे नहीं है तो क्या बात हो गई, भिजवा देना। अच्छा डॉक्टर साहब धन्यवाद, घर की तो बात है। आराम से आराम से आराम। सोबित निकाल लिया भाई दूध? हाँ निकाल लिया भाई। आजा रोहित, या बाल्टी का उठाओ फिर है। अरे बाल्टी में तो दूध जाओगा। अच्छा पर नू बता मेरे उस काम का क्या हुआ? उस काम का? अच्छा वो गीता वाला, फिर बात ना हुई तेरी उससे? अरे सूदम सूद बात करवाओगा मरवाओगा के, मैं वो तो पूछना आया हूँ तेरे से। अच्छा तो तू रखो सुन, ठीक है जैसा मैंने कहा वैसे ही करिए। ठीक है बिल्कुल ऐसे करूंगा, अब तो दूध घाल। हाँ ले दूध ले जा, दूध ले जा। कते कर दूं? मैं कर दे सारे नहीं कूट दे यार। अरे ले यार, या अभी यारी दोस्ती की बात है, तू ले जा। अम्बे ए के 150 ग्राम के पीछे। ठीक है फिर। ठीक है अच्छा अच्छा जय बाबा गोरखनाथ की, जय बाबा गणपतिनाथ की। अलोक निरंजन जाओ, अलोक निरंजन, अलोक निरंजन। मम्मी मम्मी मम्मी, मैं कह रही मुझे लग रहा है बाहर शायद कोई बाबा आए हैं। हाँ बेटा लग तो मुझे भी ऐसे ही रहा है। चलो तो देख लेते हैं। चलो बाबा गणपतिनाथ के। हेलो निरंजन, हेलो निरंजन, हेलो निरंजन। भाई तुम्हारी ये कन्या तो बहुत भाग्यशाली है। अरे बाबा हमें रात दिन इसी की चिंता सताई जाती है, इसका हाथ देख के बता दो। माई हमें इस बच्ची का हाथ देखने की कोई जरूरत नहीं, बाबा चेहरा देखकर ही बता देंगे इस बच्चे के भाग्य में क्या लिखा है। अच्छे बाबा तो मुझे भी बता दो। जय बाबा गोरखनाथ, दे दे मेरा साथ, बच्ची है मेरे पास, कर दे मन की पूरी आस। अरे बाबा तुम तो पोछे ही बाबा लगते हो। हाँ माई तुम्हारी बच्ची मौत के मुंह से बची है, बताओ बच्ची के नहीं बची? कन्या अभी 10 दिन पहले तुम एक लड़के से बाइक से टकराई थी, उसमें तुम बची के नहीं बची? हाँ पापा बची। आप तो बहुत अंतर्यामी हो बाबा। आएगी आएगी लाइन पर आएगी। क्या आएगी बाबा? अरे माई जब तक दक्षिणा नहीं आएगी हमारी दिव्य शक्ति काम नहीं कर पाएगी। हाँ लेके आ रही हूँ बाबा, लेके आ रही हूँ दक्षिणा। जाइए, जब तक तुम नहीं जाओगे बात नहीं बन पाएगी। क्या बात नहीं बन पाएगी? कुछ नहीं माई, मैं दक्षिणा के बारे में बोल रहा हूँ, दक्षिणा नहीं आएगी तो बाबा की दिव्य शक्ति काम नहीं कर पाएगी। ठीक है मैं दक्षिणा ला रही हूँ। कन्या तुम्हारा नाम कैसे शुरू होता है ना? जी बाबा। जिससे तुम्हारी शादी होगी उसका नाम रैसे शुरू होगा। रैसे? रह का मतलब रोहित। अरे यार रोहित। ना सोमित तू कहाँ जा रहा? अरे मैं भी तेरे धोरी जा रहा था भाई। तू क्या बात होगी बता? एक बात बता, उसका गीता का के रहा? ना भाई पूछे मत ना। कैसे भाई? बस जानी बची। अच्छा मैं गया गीता से मिलन, बाबा जी बन गए। तेने जी नुक्ता बताया हा? हाँ बताया था। मास्टर तो चले गए स्कूल है, अब मैंने उन्होंने पट्टी पढ़ानी शुरू करी। हाँ। उसकी माँ को भीतर भेजा। अच्छा अब जैसी माँ भीतर गई मैंने दाढ़ी छुटा कर अपना मुंह दिखाया है। भाई वाले चिल्ला पड़ी तेरी तो जान बच गई माँ भीतर ही। अच्छा ना तो भाई वहाँ तो आई ठुकाई होती। हाँ भाई तुझे ठोक देते अगर वहाँ होते तो। पर एक बात और बताऊँ, अभी थोड़ी देर पहले उसका फोन भी आया। अच्छा रे। हाँ भाई मिलन बुला रही है। मिलन बुला रही है? फिर तो दावत पक्की भाई। भाई यू काम हो गया तो तेरी दावत पक्की है बिल्कुल। भाई दावत देनी पड़ेगी तो तुझे भाई। अच्छा तो चल पहले तेरी दावत दे। दावत दे भाई चल। रह के भाई राम सिंह। रे श्याम सिंह तू? राम सिंह भाई राम राम। राम राम भाई राम राम। बैठ
भाई श्याम सिंह अब कहता घने दिनों में आना होया कहाँ रह कर है। अरे मैं तो आ गया पर तन्ने तो बिल्कुल आना जाना ही छोड़ दिया। और जब तक हम थारे गांव में नानके पे रहने लगे तुमने तो बिल्कुल हमें पराये समझ लिया। भाई ऐसी बात ना है, अब 10 साल तक तो तुम यहाँ रहने लग रहे, तू यू बता मन्ने अपने में थारे में कुछ अंतर समझा कदी? ना ना खैर ऐसी बात तो ना, वैसे तो हम पुराने रिश्तेदार हैं और चाहे तो ये रिश्तेदारी नहीं भी हो सके। और नहीं कर ले भाई और बता। चलो ठीक है, वैसे मैं आज कुछ और काम आया। बता भाई क्या काम है? भाई राम सिंह हमारा ट्रैक्टर खराब हो रहा और खेत सूख कर लग रहा, तो अपने ट्रैक्टर से हमारा खेत बुआ दे। भाई ट्रैक्टर तो चला जाएगा और खेत भी बू जाएगा। हाँ पर मुझे तो आज कहीं कथा में जाना जरूरी है। अच्छा एक काम करिए, उधर रोहित को भेज दूंगा, जो इतिहा होगा तेरा खेत। ठीक है मैं पहुंच रहा हूँ खेत में बीज लेके, और रोहित को ट्रैक्टर लेके जल्दी भेजिए। जल्दी भेज रहा हूँ। अच्छा राम राम। राम राम। रोहित बेटे आ गया तू? हाँ मास्टर जी आ गया, बताओ क्या करना है? बहुत बढ़िया, बीज तो मैंने बखेर दिया। हाँ और अब तू इसे ऐसा जोत दे, ऐसा बहा दे जो एक एक दाना जमे। मास्टर जी बीज तो मैं ऐसा बो दूंगा एक एक दाना जमेगा, एक एक दाना। बहुत बढ़िया, चल तो चला। रोटी ले आई बेटी? हाँ पिताजी ले आई, खा लो। चलो बढ़िया करा, मैं रोहित को और बुला लियो। ठीक है। रोहित रोहित बेटा आजा रोटी खा ले। मास्टर जी आ रहा हूँ। मास्टर जी पानी तो दो हाथ धोने को। पानी लाई बेटी? पानी तो भूल गई पिताजी मैं। अच्छा ले, मुझे तो वीरेंद्र प्रधान जी के ट्यूबवेल पे तो पानी लाना पड़ेगा जाके। अब ले आओ मास्टर जी, तो हाथ धोकर रोटी खा जाएगी। जाऊं तो बेटा मैं। जी मैं क्या है तेरे, मेरे पीछे क्यों पड़ा है? सच्ची सच्ची बता दूं? हाँ गीता मैं तेरे से बहुत प्यार करूँगा, जब से तुझे देखा ना तेरे पर दिल आ गया, मुझे रातों को नींद नहीं आती। ये बात तो उस दिन भी बता सका जब मैं स्कूटी से टकराया था। उस दिन तो मरखने भैंस से ढाल लिखा भाई। अच्छा और क्या, मैं तुम्हारी गोली भर लेती? आज भर ले, मुझे तो आज पता चला तेरे दिल में मेरे प्यार की घंटी भी बजन लगी। हेलो गीता, कहाँ हो तुम? मैं घर। हमें मंदिर पे मिलना था ना आज। हाँ मैं कब से तुम्हारे यहाँ इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आओ। ठीक है ओके आती हूँ। आ गई तुम, मिल गई फुर्सत। तुम्हें पता है मैं कब से तुम्हारे यहाँ इंतजार कर रहा हूँ? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। गीता मेरा भी यही हाल है, जब तुम मेरे पास नहीं होती ना तो मेरी सांसें थम जाती हैं, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। ऐसा मत बोलो, हम दोनों के एक होने से कोई नहीं रोक सकता। गीता अगर तुम्हारे घर वाले नहीं माने तो? रोहित मैं भी देवी माँ की कसम खा के कहती हूँ कि अपने घर वालों से साफ कह दूंगी, शादी करूंगी तो रोहित से करूंगी, नहीं तो किसी से नहीं करूंगी। गीता मैं भी तेरी कसम खाकर कहता हूँ, मैं भी दुनिया से बोल दूंगा कि मैं शादी करूंगा तो तुझसे, नहीं तो मैं मर जाऊंगा।
अजी सुनते हो? हाँ बता। अखबार ही पढ़ते होंगे, कुछ और भी करोगे? अखबार ना पढ़ू तो और क्या करूँ बता। अजी हमारी लड़की सानी हो रही है, उसके लिए कोई लड़का वड़का भी देख लो। असर भी मुझे भी यूँ चिंता रहे, रात रात भर नींद नहीं आती। अजी आप बता रहे थे वो लड़का ट्रेनिंग पे, एक बार उसे देख लेते। मैंने परसों फोन करके पूछा था, उसका तो कहीं तो रिश्ता पक्का हो गया। तो और कहीं निगाह दौड़ाओ। अरे मेरे दोस्त ने बताया है एक लड़के का दरोगोई में नंबर आगा। अजी तो आप ठीक कह रहे हो, उससे बड़े लुंडा हमें कहाँ मिलेगा। मैंने अपने दोस्त से बात कर रखी है, उसने न्यू कह दी चिंता करने की जरूरत नहीं, जैसी चाहोगे वैसी शादी करवा देंगे। अजी आप यू तो ठीक कह रहे हो, लेकिन एक बार गीता से पूछ लो उसे कैसा लड़का चाहिए। लो इंडिया तक बुझे, जो हम करेंगे ठीक ही करेंगे। अजी पहले वाला जमाना ना है, मॉडल जमाना है अब। ले तो गीता भी आली, इसी तक पूछ लेते हैं। पिताजी क्या पूछने की बात कर रहे हो? पिता ऐसे क्या पूछा, मेरे से पूछ। तो मम्मी आप ही बता दो। अरे बेटा हम तुझे दरोगन बनाना चाह रहे हैं। अच्छा मम्मी, मम्मी दरोगन बनने की तो मेरी बचपन से इच्छा थी। ऐसा नहीं है बेटा, जब हम दरोगा से तेरी शादी कर देंगे तो तू हकीकत में दरोगन बन जाएगी। मैं नहीं कर रही किसी दरोगा से शादी, शादी करूंगी तो रोहित से करूंगी, नहीं तो कुआरी मर जाऊंगी। अच्छा जवान लड़ाती है, हम जहाँ चाहेंगे वहाँ तेरी शादी करेंगे। देखो कैसा जमाना आ गया, बेटी बाप से जबर लड़ा रही है। अजी तुम चिंता ना करो, उसे समझाऊंगी मैं। हाँ समझा लेना उसे, नहीं तो अच्छा नहीं होने का। अरे मेरे यार रोहित कैसे बैठा? अरे ये तो गीता भाभी का फोन आ रहा है। एक मिनट करो। हेलो, हाँ गीता। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, कितने 4 बजे? ठीक अच्छा भाई मैं चलता हूँ तेरी भाभी से मिलना। अच्छा चल कोई बात नहीं यार। यू तो गया भाई भाभी तो मिलने, मैं भी चलूँ। हाँ गीता आ गए तुम, मिल गया तुम्हें टाइम। 4 बजे का टाइम दिया था, 4:30 बज रहे हैं। वो सब तो छोड़ो, पर ये बताओ जो मैंने सुना है क्या वो सच है? क्या सुना है? मैंने सुना है तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी कहीं और कर रहे हैं। हाँ रोहित, मेरे घर वाले मेरी शादी कहीं और कर रहे हैं। गीता तुमने जो मंदिर पर देवी माँ की कसम खाई थी उस कसम का क्या होगा? रोहित मैं अपनी कसम जरूर निभाऊंगी, मैं शादी करूंगी तो तुमसे ही करूंगी, नहीं तो मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। सच? सच। थैंक यू गीता। छोटो पक्की खबर भी है, वो सुंदर सी कन्या इधर से ही आएगी। उस्ताद एकदम पक्की खबर है, आज तक कोई कच्ची खबर दी है जो अब दूंगा ऐसे ही आएगी। आ तो रही है। क्या बदतमीजी है ये? अरे छोटो ये तो कह रहा था सुंदर, ये तो बहुत 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 ही सुंदर है। उस्ताद ऐसी लड़की तुमने आज तक नहीं देखी होगी। क्या बदतमीजी है, हटते क्यों नहीं मेरे रास्ते से? चल क्या बदतमीजी, हटो मेरे रास्ते से, हटो। रोहित के चल रहा तेरा और गीता की मोहब्बत का आजकल? भाई सोबित पूछे ना, उससे घर वाले मानने को तैयार नहीं है। अच्छा फिर कैसे होगा यार? भाई कैसे भी हो हमने तो एक बात सोची है। के सोचा? अगर घर वाले मानते तो ठीक है, नहीं तो भाई हम दोनों अपनी जान दे देंगे। अरे नहीं मेरे यार, ऐसा बिल्कुल मत करिए। भाई सोबित मैं गीता के बिना जिंदा नहीं रह सकता। नहीं मेरे दोस्त, तू मुझे अपना दोस्त कहता है ना, मैं कुछ करता हूँ भाई, सब कुछ तेरे भरोसे मेरे भाई। मैं कुछ करता हूँ मेरे दोस्त। ठीक है भाई। रोहित भैया, रोहित भैया बुरे बुरे का चिल्ला उधर गीता को उठा के ले गया। हैं कहा? अपने फार्म हाउस पे। शांति, ओ शांति, शांति। क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे मैं खेत में घूमने जा रहा हूँ, इन दो डांगरों का नार करती है। तबे तो खेत की पड़ी रहे, तुम्हें नूबी पता है, तो उनका सबरे से घर में ना है।
रे लौंडा तो रोज की यही सांग करता फिरो जा, तू रहवे ही कहां घर में, तेरे लाड प्यार ने बिगाड़ रखा। अजी रोज दोपहर रोटी तो खान आ जाता था, आज तो दोपहर में भी नहीं आया। अच्छा आज दूसरा रोटी भी खाने भूल गया दिखे। रे राम सिंह कैसे झगड़ रहे हो भाई? रे भाई तुम्हारे झगड़े की बात छोड़, अपनी बता तू कैसे आया। रे हमारी छोरी आई थी के? तेरी छोरी तो मारा आई ना, छोरा मारा भी तड़की तई गायब हो रहा। अच्छा? हाँ, मुझे तो ऐसा लगा है हमारी इज्जत का बट्टा ना लगा दिया हो दोनों ने। अरे हम तो कुछ और सोच रहे थे। दाऊ गीता ने भूरे अर्थ का चेला ठा के ले गया, और रोहित और सोबित उसके पीछे गए, तुम भी चलो। अच्छा अरे भाग ले भाई, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। ए छोरी तू मुझे नहीं जानती? सारा इलाका भूरे के नाम से थर थर खाता है। तू मुझे नहीं जानता मैं किसकी छोरी हूँ? अच्छा शायद तू ये नहीं जानती उस्ताद ने कितनी लड़कों को जन्नत की सैर करा दी। चल बहुत उड़ रहे। रोहित आ गया तू? हाँ गीता मैं आ गया, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। रोहित ही नहीं भाभी, तेरा देवर सोबित भी आ गया है। भूरे अब तेरी खैर नहीं। रोहित जो भी भूरे के फार्म हाउस में आज तक आया है ना बच के नहीं गया है। भूरो तू आज खुद अपने पैरों पर यहाँ से वापस नहीं जाएगा, ये रोहित का तुझसे वादा है। उस्ताद ठीक कह रहा है, आई बात समझ में या और तरीके से समझा। भूरे आज हम तुझे छठी का दूध याद दिला देंगे, आज के बाद तू किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। अच्छा तू रोहित, अगर आज ये ना भागता तो आज हम इसे छठी का दूध याद दिला ही देते। तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ गीता, तुम भी ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। अरे बेटे रोहित तुझे कुछ हुआ तो ना? ठीक है तू? हाँ पिताजी मैं ठीक हूँ। बेटा तू ठीक है ना? चोट तो नहीं लगी कहीं भी? ना माँ जब तक तेरा आशीर्वाद मेरे साथ है मुझे कुछ नहीं हो सकता। गीता बेटा ठीक तो है तू? पिताजी मैं तो ठीक हूँ, पर अगर आज रोहित नहीं होता तो पता नहीं क्या हो जाता आज मेरे साथ। मैं श्याम सिंह तेरी छोरी बिल्कुल ठीक बता रही, जो ये दोनों ना होते पता नहीं तेरी छोरी का क्या हाल होता आज। ठीक कह रहा भाई राम सिंह, पर मेरी समझ में तो एक बात आवे। बता भाई। किसी यारी दोस्ती को क्यों ना रिश्तेदारी में बदल लें? ये तो बड़ी खुशी की बात है, बदल ले भाई आज आगे को। ले भाई। जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो दोस्तों देखा आपने, ये थी प्यार की जीत।